तो दोस्तों आज ना हम अपना एक न्यू गैजेट लेके आए हैं। ये देखिए भाई, इससे ना बेसिकली हम इसको कहते हैं झपका। इससे क्या होता है कि अपने जो कबूतर वगैरह ना उनको हम पकड़ते होते हैं, किसी दूसरे बंदे के कबूतर पकड़ने हो या कोई भी किसी टोली से टूट के आया हो तो उसको पकड़ने के लिए ना ये बड़ा ही ना मुफीद होता है। और इससे ना कोई भी कबूतर जो है भागता नहीं अच्छे वाले तरीके से ना, वो 90% चांसेस होते हैं कि हम इसको ना पकड़ लें। ठीक है, तो ये आज मेमन भाई और रवि भाई गए थे मार्केट, मैं गया था कॉलेज, तो इन्होंने पीछे से मुझे कहा भी, लेकिन मैंने कॉलेज जाना था, मजबूरी थी, तो इसीलिए ये ना वहाँ से जाके अपनी जो हमारी मिनी फ्लावर्स थी उनको बेच आए थे, और उसके बदले में ना उन्होंने ये शॉपिंग की है। और उसके बाद हम जो है ना राजू की जो है फ्रेंड भी लेके आएंगे, उसके बाद उसको भी हम आपको दिखाएंगे। हम पता करने गए थे अभी, लेकिन हमें वहाँ से मिली नहीं, तो फिलहाल हमने ये वाली ली है। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इसी के ऊपर होगी, तो हम आपको ना इसका यूज़ करके भी बताएंगे। अभी ना जो हमारे मेमन भाई है ना, ये देखें, इनको एक कबूतर मिला था, ठीक है, वो हम ना पकड़ने जा रहे हैं, वो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है, पहले भी वहीं पर बैठा हुआ था, तो अभी हम वहाँ पर नीचे चलते हैं, चल के ना हम उसको पकड़ते हैं। दोस्तों मेमन भाई ना, हमने ये अपना जो न्यू गैजेट लेके आया है मेमन भाई से ना, अभी कबूतर पकड़ने जा रहे हैं। वो सामने माशाल्लाह हमारा जो कबूतर नया ना बैठा हुआ है, मेमन भाई गए हैं उनके घर, वहाँ से चढ़ के ना ऊपर जाके मेमन भाई वहाँ से ना उसको पकड़ेंगे। तो अभी मेमन भाई उनकी इजाज़त ले रहे हैं, तो अभी हम वहाँ से खड़े होकर ना वीडियो बनाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मेमन भाई गए हैं अभी कबूतर को पकड़ने के लिए, तो अभी हम ना मेमन भाई ऊपर जाएंगे, वहाँ पे वहाँ से हम ना उसकी यहाँ से वीडियो बनाते रहेंगे। सामने वो देखें जो कबूतर खड़ा हुआ, और ये देखें मेमन भाई सामने चढ़ गए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मेमन भाई ऊपर ही रह गए और जो हमारा कबूतर है वो उड़ गया भाई। जैसे कि आपने देखा हमारा जो कबूतर है ना वो उड़ गया। जो मेमन भाई है ना, उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बहुत मुशक्कत करके इजाज़त लेके गए ऊपर, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि ऊपर चढ़ने लगे और जो कबूतर को ना पड़ गई, भिनक पड़ गई कि भाई अब मैंने पकड़े जाना, तो वो भाग गया। असल तो, ना छत थी आगे, हाँ वो छत जो है ना बिल्कुल आगे थी, कॉर्नर पे थी, हाँ आराम से पकड़ा जाना। तो अभी हमने अपना ये गैजेट लेके आए हैं, इसको हमने यहाँ पे टांग दिया अच्छे वाले तरीके से, और जो मेमन भाई हैं पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं। और क्या कर रहा है इधर, बच्चे निकले हैं, बच्चे हुए बड़े बड़े बड़े, वो देख क्या कर रही है, तो अभी पर निकालने लग गया। बच्चे निकाल, बच्चे बच्चे निकाल, बच्चे बच्चे दिखा कितने आजू है, माशाल्लाह। ये देखिए भाई, जो आप हमने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे ना, वो काफी ज्यादा बड़े हुए हैं। तो हमने जो अपने कबूतर है ना उनको खोल दिया है, और उनको हमने दाना वगैरह भी डाल दिया, और कुछ वो दाना बाहर से भी खा के आएंगे। तो अभी हम ना अपनी जानू के लिए ना यहाँ पे कुछ छिलके पड़े हुए हैं, ये देखिए मेमन भाई ना उनको अच्छे तरीके से ना अंदर डाल रहे हैं, तो अभी हम इसको नीचे जाएंगे, जाके अपनी जो जानू है ना उसको खिलाएंगे। अभी मेमन भाई ने छिलके वगैरह डाल लिए, और जो गुठलियाँ हमने बाहर फेंक दी हैं, क्योंकि जो गुठलियाँ ना वो गले में फंस जाती हैं, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। तो अभी हमने इसको नीचे लेके जाते हैं और जाके अपनी जानू को डालते हैं। दोस्तों अभी हम ना नीचे आ चुके हैं, और देखे जानू को ना खुशबू आ गई आंबों की, छिलकों की, ये देखे भाई कितने मज़े से इंजॉय करेगी। अभी मेमन डाल दे थोड़े थोड़े, ये देखे माशाल्लाह से, इनको भी डाल दे एक एक, बाकी मेमन इधर खाली कर दे, खुद ही खा ली। तो ये देखिए भाई साहब, हमारी जो जानवर है ना कितनी मज़े से इंजॉय कर रही है, और जो हमारे दूसरे जानवर है माशाल्लाह से फ्यूना, देखिए वहाँ पे भी वो भी इंजॉय कर रही है अच्छे वाला, और जो हमारी हमसायों की बकरियाँ हैं, और जो हमारे एक मुर्गे वगैरह, वो देखिए भाई कितने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए पुरसकून माहौल है, हवा चल रही है अच्छे वाली, और जो हमारी दूसरी बाकी मुर्गियाँ हैं वो देखिए सामने वो फिर रही हैं, और जो हमारी गुलाब है वो उधर है, और जो दो हमारे कौन से रवि, वो नुक्कड़ पर फिर रहे हैं रूढ़ी के पास है ना, वो नुक्कड़ पर, वो वाले वो उन भाई के हैं, उन्होंने नहीं दिए, ऐसी बात है। तो अभी उन्होंने हमारे मुर्गों की सोबत में रखे हुए हैं ताकि वो जवान बन जाए सभी की तरह, है ना जवान। और ये ब्लैकी का काम चेक करो, ब्लैकी हर तरफ ना भागी आती है, और ये इसका भाई मकोड़ी देखो, ये बड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, ओए चल चल शाबाश, कुछ नहीं होता। ये देखिए भाई इसकी ना मकोड़ी और ज़्यादा बड़ी हो गई, स्वेल होगी, ये सही क्यों नहीं हो रही, ये जब हॉस्पिटल से जाके ऑपरेट कराना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो है ना ये इसके जो माँ और बेटा जो है आपस में अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं मिल बांट के, और जानू ने ना फिनिश कर दी हर चीज़ अपनी, और जो अंकल जी हैं ना सफाई कर रहे हैं अपनी गुलाबों की अच्छे वाली, वो गोबर वगैरह को साफ़ कर रहे हैं ठीक है अच्छे तरीके से, और इसको वैसे पंजाबी में फोड़ा कहते हैं, सही है। और आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, अपना अपने प्यारों का ढेर से ख्याल रखिएगा, अल्लाह नी के पास।